हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ नया पढ़ने वाले हैं और वो जो नया पढ़ने वाले वो है आपका बीए बीकॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स में भुगतान सेस नाम का चैप्टर है, जो कि जिसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। डन, तो इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये जो क्लास जो हम करने जा रहे हैं, ये 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी ये क्लास है, ठीक है। तो समष्टि अर्थशास्त्र भुगतान से यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इंग्लिश में कहें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, बड़ा आसान सा चैप्टर है, काफ़ी जल्दी खत्म भी हो जाएगा और हम इसे वही छोटे छोटे पार्ट्स में हम पढ़ेंगे। भुगतान शेष की अगर हम बात करें तो भुगतान शेष से अभिप्राय किसी देश के शेष विश्व के साथ, शेष विश्व मतलब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हुए सभी आर्थिक लेन देन के लेखे जोखे से है। ये कहना क्या चाहता है समझते हैं। मान लो ये इंडिया है, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो ये देश की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी किसी देश मतलब जैसे मान लो कोई आपकी आपकी कोई भी पटेल कंट्री आप चुन लो, तो इस देश का शेष विश्व मतलब जितने भी दूसरे देश हैं उनके साथ जो भी आर्थिक लेन देन होगा, आर्थिक लेन देन का मतलब होता है जो धन से रिलेटेड होते हैं, आर्थिक लेन देन मतलब जो धन से रिलेटेड है, डन, पैसों से रिलेटेड उनकी बात कर रहे हैं। तो इसने बोला भुगतान शेष से अभिप्राय किसी देश के शेष विश्व के साथ, एक देश का शेष मतलब उसके अलावा जितने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो भी है उसकी बात कर रहे हैं, उनके साथ जो भी ट्रांजेक्शन होगी, जो भी आर्थिक लेन देन होंगे, उनके लेखे जोखे को, उनके एक स्टेटमेंट तैयार करना, उस स्टेटमेंट को उन्होंने क्या बोला, भुगतान शेष। डन, हमेशा याद रखना आप समष्टि के अंदर जो भी डेफिनेशन आप पढ़ते हो, जो भी आप परिभाषाएं पढ़ते हो, उसमें आप ये वर्ड लिख सकते हो कि एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में, यानी इन एन अकाउंटिंग ईयर बोल सकते हो, ठीक है, इन वन ईयर बोल सकते हो, और हिंदी वाले एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में ये वर्ड यूज कर सकते हैं। डन, क्योंकि समष्टि अर्थशास्त्र में अगर हम डेफिनेशन यूज करते हैं तो ज़्यादा निखर के आती डेफिनेशन और होता भी उसी अकॉर्डिंग ही है। तो भुगतान से इस अभिप्राय एक देश का शेष विश्व के साथ, एक देश का शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसके लेखे जोखे को, यानी उसकी एक स्टेटमेंट तैयार होती है, उसके अकाउंट्स को हम क्या बोल रहे हैं, भुगतान शेष कह रहे हैं। ये डेफिनेशन खत्म होती है। जिसको ये लिखना है ये भी लिख सकता है, अर्थात यह एक देश तथा शेष विश्व के बीच, यानी एक देश और जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है उसके बीच सभी आर्थिक सौदों का क्या करता है, एक संक्षिप्त विवरण है, एक स्टेटमेंट है, उसी को क्या कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, एक देश का शेष विश्व के साथ जो भी आर्थिक लेन देन होंगे उनका एक विवरण तैयार करना, अकाउंट तैयार करना, स्टेटमेंट तैयार करना, उसे हमने क्या बोला, भुगतान शेष बोला। इसमें जो आर्थिक सौदे यानी आर्थिक लेन देन की बात कर रहे हैं तो ये तीन तरह की है, इसमें दृश्य मदे आती है, अदृश्य मदे आती है और पूंजी अंतरण आता है, ठीक है। दृश्य मदे यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसको अगर हम बोलें दृश्य मदे का मतलब विजिबल आइटम, ये विजिबल आइटम्स है। अदृश्य मदे अगर हम बोले तो क्या है, इनविजिबल है, इनविजिबल आइटम्स की बात कर रहे हैं। और पूंजी अंतरण की अगर हम बात करें तो कैपिटल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, ठीक है, कैपिटल ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। आराम से पढ़ेंगे आप हिंदी मीडियम की तरफ से देखो तो दृश्य जिनको देखा जा सकता है यहाँ पे बात कर रहे हैं, दृश्य मध्य, अदृश्य मध्य और पूंजी अंतरण। बात कर लेते हैं दृश्य मध्य की। दृश्य मध्य वे मध्य होती है जिन्हें देखा जा सकता है तथा जिसमें आयात निर्यात की जाने वाली, यानी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट की जाने वाली सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को शामिल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो भौतिक वर्ड है अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो इसमें क्या ले रहे हैं हम, इसने बोला दृश्य मध्य वे मध्य होती है जिन्हें देखा जा सकता है और इसमें जो निर्यात और आयात जो होगी, ठीक है, उन की जाने वाली सभी प्रकार की भौतिक वस्तुओं को हम शामिल करेंगे। यहाँ पे वर्ड देख रहे हैं ना क्या लिखा हुआ है, भौतिक मतलब फिजिकल, ठीक है, जिनको आप टच कर सकते हो भौतिक की बात कर रहे हैं, और वस्तु मतलब गुड्स, यानी अब अगर ध्यान दोगे आप तो गुड्स यानी जो वस्तुएं होती है उनको आप टच कर सकते हो, यही आएगा, देख भी सकते हो, यही आएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे फिजिकल गुड्स यानी भौतिक वस्तुओं की बात की गई है। तो ये जो पोर्शन था बड़ा आसान सा था, पहला था भुगतान शेष, एक देश का शेष उसके साथ जो भी आर्थिक लेन देन होता है उसके लेखे जोखे को क्या कहते हैं, भुगतान शेष कहते हैं। उसके बाद मेरे पास आया दूसरे अर्थ, सेम वही है डेफिनेशन ये भी,
तीन तरह के हैं, दृश्य अदृश्य और पूंजी अंतरण, जिसमें से हमने दृश्य मदे पढ़ लिया। दृश्य मदे वे मदे होती है जिन्हें देखा जा सकता है और इसमें आयात निर्यात की जाने वाली भौतिक वस्तुओं को ही शामिल किए जाएंगे, अगर सेवाएं इसमें शामिल नहीं होती है, सिर्फ वस्तुएं ही इसमें क्या होती है, शामिल होती है। तो आगे बढ़ते हैं, हमने दृश्य मदे पढ़ लिया था, अब अदृश्य मदे पे आ जाओ। अदृश्य मदे वे मदे होती है जिन्हें देखा नहीं जा सकता, ठीक है, और इन मदों में सभी प्रकार की क्या होती है, सेवाएं शामिल की जाती है। दृश्य मदों को देखा जा सकता था और उसमें भौतिक वस्तुओं यानी फिजिकल गुड्स को भी रखा जाता है, क्योंकि आप उनको टच कर सकते हो, देख सकते हो ना, उनको आप ना तो टच कर सकते हो ना ही देख सकते हो, तो इसलिए इसमें क्या की गई है, सेवाएं, उसमें वस्तुएं और इसमें सेवाएं। देन उसके बाद हमारे पास है पूंजी अंतरण, यानी कैपिटल ट्रांसफर की बात कर रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, पूंजी अंतरण से अभिप्राय पूंजी की प्राप्तियों, यानी जो रिसीव्स हो रही है, जो आपको मिल रहा है वो, और पूंजी के भुगतानों से है। यानी पूंजी अंतरण की अगर हम बात करें तो पूंजी की प्राप्ति और पूंजी के भुगतान से है, यानी कितना मिल रहा है और कितना जा रहा है, उसे हमने क्या बोला, पूंजी अंतरण बोला, कैपिटल का ट्रांसफर, आना और जाना। और इसमें परिसंपत्तियों का अंतरण भी शामिल किया जाता है। परिसंपत्ति यहाँ पे मतलब हो गया एसेट्स, ठीक है, एसेट्स का इसमें क्या करते हैं, इसमें एसेट्स को शामिल किया जाता है, उसका ट्रांसफर को भी शामिल करता है। अगर आप एसेट्स भी ट्रांसफर कर रहे हो तो उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। दोबारा देखते हैं, पूंजी अंतरण से अभिप्राय पूंजी की प्राप्ति और पूंजी का भुगतान से है। डन, इसमें परिसंपत्तियों का यानी जो आपकी संपत्ति है उनका भी आप अंतरण कर सकते हो, उनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है व्यापार शेष। व्यापार से सिंपल सा डेफिनेशन है, कई बार पेपर में पूछा जाता है, व्यापार से अभिप्राय दृश्य, ये वर्ड जरूर याद रखना आपको, यहाँ पे दृश्य वर्ड लगा है, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर से है। यानी जब हम व्यापार से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें सेवाएं शामिल नहीं हो रही है, सिर्फ दृश्य यानी वस्तुएं ही शामिल इसमें की जाती है। तो व्यापार से अभिप्राय दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के अंतर से है, दृश्य निर्यात माइनस दृश्य आयात, अंतर मतलब माइनस। Then, तो इस दोनों के अंतर को क्या कहते हैं, व्यापार शेष कहते हैं। अब इसने बोला कि कौन कौन सी ऐसी मदे हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया जाता, तो एक तो साफ दिखती है कि इसमें सिर्फ दृश्य चीजें ली जा रही है, यानी अदृश्य चीजें यानी सेवाएं इसमें नहीं ली गई है, सेवाएं इसमें नहीं ली गई है। तो देखो इसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि सेवाओं का आयात और निर्यात इसमें शामिल नहीं किया जाता, नंबर वन। नंबर टू, देशों के बीच अगर ब्याज का और लाभांश का भुगतान हो रहा हो, ब्याज क्या है यानी इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट का भुगतान हो रहा है, लाभांश को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डिविडेंड कहते हैं, क्या कहते हैं, डिविडेंड, यानी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, ठीक है। तो देशों के बीच में अगर इंटरेस्ट और डिविडेंड का अगर पेमेंट हो रहा है तो उसको भी इसमें शामिल नहीं करेंगे। दो गए, पहला सेवाओं को उसमें शामिल नहीं करना, चाहे उसके आयात हो चाहे उसकी निर्यात हो, और दूसरी चीज देशों के बीच में अगर ब्याज और लाभांश का अगर भुगतान हुआ है तो आप इसको भी शामिल नहीं करोगे। नंबर थ्री पॉइंट अगर हम बात करें तो पर्यटकों द्वारा हुआ है, पर्यटक मतलब जो घूमने के लिए आते हैं, ठीक है, तो अगर उनके द्वारा अगर कुछ खर्चा हो भी रहा है तो आप इसको भी शामिल नहीं करोगे। पर्यटकों द्वारा किया गया व्यय कभी भी शामिल नहीं किया जाता। तो ये सब आपको समझ में आ गया, ये आपको अच्छे से याद रखना अपने पास। डन, तो हमने अदृश्य भी पढ़ लिया, दृश्य भी पढ़ लिया, पूंजी अंतरण भी पढ़ लिया, व्यापार से सभी पढ़ लिया। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आने वाला है वो आएगा चालू खाता, और चालू खाता जो है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।